नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अब चंबल नदी उफान की ओर, खतरे के निशान से महज 2.69 मीटर दूर। हाड़ोती अंचल सहित अन्य जगह से हो रही बारिश और कोटा बैराज से छोड़े जा रहे पानी की आवक से धौलपुर में चंबल नदी का जल स्तर धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। सिंचाई विभाग धौलपुर के AEN पोपेंद्र मीणा ने बताया कि सोमवार शाम को 6 बजे धौलपुर में चंबल नदी का जल स्तर 128.10 दर्ज किया गया, जो कि खतरे के निशान से 2.69 मीटर कम है। हालांकि आमजन को अभी किसी भी तरह से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। आपको बता दें कि धौलपुर जिले में चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है। वहीं एहतियातन प्रशासन के आला अधिकारी और पटवारी चंबल नदी के बढ़ते जल स्तर पर नजर बनाए हुए हैं, साथ ही निचले स्थानों पर ग्रामीणों को अलर्ट भी कर दिया है। वहीं नदी हुई पानी की आवक के बाद चंबल पर बने पुराने पुल पर जरूर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। सेल्फी पॉइंट के नाम से चर्चित इस पुल पर लोगों के आवागमन से खतरा बना हुआ है। सैपो के ऐतिहासिक महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, जेब कतरों ने उड़ाए महिलाओं के मंगलसूत्र। सैपो के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर श्रावण मास के दूसरे सोमवार को भी श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ के चलते जेब कतरे भी कई महिलाओं के मंगलसूत्र उड़ाने में सफल हो गए। मंदिर परिसर के अंदर पूजा अर्चना करते समय पुष्पा पत्नी राय सिंह निवासी धौलपुर का सोने का मंगलसूत्र, वहीं पिंकी पत्नी सन्नाम गुर्जर निवासी सोहा का सोने का मंगलसूत्र चोरी हो गया। वहीं 3 अन्य महिलाओं के मंगलसूत्र भी गायब हो गए, जो तलाश के दौरान मंदिर परिसर में जमीन पर मिल गए। एक साथ उमड़े श्रद्धा के सैलाब से श्रद्धालुओं से ऐतिहासिक महादेव मंदिर पूरी तरह भर गया। जहां श्रद्धालुओं की भीड़ समा नहीं रही थी, मंदिर में सुबह से ही दर्शनार्थियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। 8 बजे के बाद तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने पर श्रद्धालुओं से मंदिर परिसर खचाखच भर गया। इसी का फायदा उठाकर जेब कतरे भी महिलाओं के मंगलसूत्र उड़ाने में सफल हो गए। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने की खरीदारी। ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर श्रावण मास में सोमवार को लगने वाले मेले में आसपास एवं दूर दराज के गांव से पहुंचे लोगों ने पूजा अर्चना करने के बाद मेले में खरीदारी की, साथ ही मनोरंजन के साधनों का लुत्फ उठाया। वहीं पंचायत और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए जल चढ़ाने की समस्या से अवगत कराने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस पर समाज सेवी हरि सिंह परमार द्वारा टैंकर से पानी की व्यवस्था की गई। पुलिस की सतर्कता के बाद भी नहीं रुकी चोरी। ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर सोमवार को लगने वाले मेले में पुलिस काफी सतर्क नजर आई। मेले के अलावा मंदिर परिसर में भी पुलिस कर्मी लगातार व्यवस्थाओं को संभालते रहे, लेकिन इसके बाद भी 2 महिलाओं के मंगलसूत्र चोरी हो गए। थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि करीब आधा दर्जन महिलाओं के मंगलसूत्र गायब हुए थे, जिसमें से कुछ महिलाओं के मंगलसूत्र तो वही मंदिर परिसर में ढूंढने के बाद मिल गए हैं, वहीं कुछ महिलाओं के नहीं मिले हैं, उनकी तलाश की जा रही है। सावन के महीने में जो सोमवार को जो है भीड़ को देखते हुए मेला का सा रूप ले लिया, जिसको देखते हुए पुलिस ने 7-54 तरीके से पूरा जाप्ता लगाया गया। हर जगह पुलिस मौजूद है एवं
संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने हेतु सादा वस्त्रों में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। कुछ महिलाओं के मंगलसूत्र भी तो टूटे क्या? कुछ महिलाओं के मंगलसूत्र भीड़ में अंदर मंदिर में जगह कम होने के कारण कुछ के टूट गए, जिसमें से तीन चार महिलाओं के तो मिल चुके हैं, लेकिन जो चढ़ावा चढ़ रहा है उसकी जब सही तरीके से सफाई होगी उसमें भी निकलने की संभावना। जिला कलेक्टर को आकस्मिक निरीक्षण में पूरा स्टाफ मिला गैर हाजिर, संस्था मिला बंद, कलेक्टर ने जताई सख्त नाराजगी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मचकुंड रोड धौलपुर का जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने सोमवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संस्था की अधीक्षक सहित पूरा स्टाफ गैर हाजिर मिला। यही नहीं, निरीक्षण के दौरान संस्था के सभी कमरे और लैब बंद मिले, जिस पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जताई। साथ ही संबंध में जिला प्रशासन ने सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए लिखा है। संस्थान की अधीक्षक नीलिमा सिंह सहित स्टाफ के अन्य सदस्य गैर हाजिर मिले। निरीक्षण के दौरान पूरे संस्थान में सिर्फ एक चौकीदार मिला। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में घूमते मिले कुछ प्रशिक्षणार्थियों से डीएम ने संवाद किया तो परीक्षणार्थियों ने बताया कि उनकी पहली पारी सुबह 8 बजे से 12 बजे तक चलती है, लेकिन अभी तक कोई स्टाफ एवं अधीक्षक नहीं आई है, जिससे वह उनका इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, कुछ अभिभावक भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में जानकारी करने पहुंचे, लेकिन उनको भी स्टाफ के अभाव में बैरंग वापस लौटना पड़ा। डीएम के औचक निरीक्षण के दौरान राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी कक्षा कक्ष तथा लैब में भी ताले लगे मिले। जिला कलेक्टर ने बताया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संस्थान की अधीक्षक सहित पूरे स्टाफ का गैर हाजिर होना एक गंभीर विषय है तथा इस संबंध में कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि संस्थान स्टाफ की यह घोर लापरवाही है। किसी भी व्यक्ति को देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। इस संबंध में सरकार को अवगत कराते हुए उचित आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र CBSE एफिलेटेड विद्यालय, जिसके अंदर आपको सभी कक्षाएं फुली AC व डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, पूर्णतः अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में, बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण, यहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स व सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है, प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। CBSE नई दिल्ली से संचालित विद्यालय, जिसका CBSE एफिलिएशन क्रमांक है 173119, प्राचार्य प्रवीण त्यागी। अब धौलपुर में सबसे सस्ती कीमत मात्र 45,000 रुपए में खरीदे आकर्षक लुकिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एवं मोटरसाइकिल, वह भी आसान किस्तों में। एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की गारंटी, सीमित समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने पर विशेष छूट। साथ में कोई भी पुरानी स्कूटी लाएं और नई ले जाएं। एक बार शोरूम पर टेस्ट ड्राइव के लिए जरूर पधारे। हॉप इलेक्ट्रिक सिद्धि विनायक मोटर्स, पता मचकुंड मोड़ के पास, जगदीश टॉकीज, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर विनय गोयल। सीवरेज लाइन ब्लॉक होने से 3 से 4 फीट तक भरा कॉलोनी में गंदा पानी, 5 से ज्यादा घरों का आवागमन बंद, लोग परेशान। धौलपुर शहर के सैपो रोड स्थित दारा सिंह नगर सेक्टर सी में लवानिया पैलेस के पास सीवरेज लाइन ब्लॉक होने से पूरी कॉलोनी में 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया है, जिसके कारण 50 से ज्यादा घरों का रास्ता और आवागमन बंद हो गया है तथा बिजली लाइन में फॉल्ट होने से पूरे क्षेत्र की विद्युत सप्लाई काट दी गई है,
जिसे घरों में पीने के पानी की समस्या तथा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कॉलोनी के लोगों ने पानी निकासी की मांग की है। साथ ही पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सेक्टर सी धौलपुर से बोल रहा हूँ सर। लगभग एक महीने से ये जल भराव की स्थिति चल रही है। बार बार नगर परिषद को सूचना देने के बाद भी आज की तारीख तक स्थिति भयावह बनी हुई है। घरों से लोग पलायन करने के लिए मजबूर है। आप देखिए सामने लॉक लगा हुआ है, करंट के वजह से ये परिवार पूरा पलायन कर गया। और सामने देख सकते हैं पूरी स्थिति इतनी जल भराव की है कि निकलना भी दूभर हो रहा है। बीमारियां फैल रही है, लोगों के पैरों में खुजली चलना शुरू हो गई है गंदे पानी से बार बार निकलने के कारण। प्रशासन से बार बार अपील करने के बाद में आज की तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब बताइए हम क्या करें। सुविधाएं देखते हुए हम धौलपुर के लिए आए और धौलपुर में आने के बाद अब स्थिति बदतर हो रही है। अब इसका कोई समाधान सरकार अगर कर सके तो देख लीजिए, अन्यथा मजबूरन हम लोगों को यहां से पलायन करना पड़ेगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए किया गया 352 यात्रियों का चयन। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से धौलपुर जिले के वरिष्ठ नागरिकों की निशुल्क तीर्थ यात्रा के लिए शुरू की गई वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की लॉटरी सोमवार को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र कलेक्ट्रेट धौलपुर में निकाली गई। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह द्वारा संयुक्त रूप से वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना की कंप्यूटर के जरिए लॉटरी निकालकर रेल एवं हवाई जहाज यात्रा के लिए मुख्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची आरक्षित की गई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने बताया कि रेल मार्ग से यात्रा करने वाले 317 यात्रियों तथा हवाई यात्रा करने वाले 35 लोगों की लॉटरी निकाली गई। मुख्य सूची के बराबर की प्रतीक्षा सूची भी निकाली गई। रेल के जरिए रामेश्वरम, मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, द्वारिकापुरी, सोमनाथ, वैष्णो देवी, अमृतसर, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, सम्मेद शिखर, पावापुरी, उज्जैन, ओंकारेश्वर, गंगा सागर, कामख्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, बिहार शरीफ, वेलनकानी, चर्च आदि तथा हवाई जहाज के जरिए पशुपतिनाथ, काठमांडू की यात्रा करवाई जाएगी। यदि आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक है तथा जीवन साथी के साथ यात्रा नहीं कर रहा है तो वह अन्य व्यक्ति को सहायक के रूप में ले जा सकता है। यदि आवेदक व उसके जीवन साथी की आयु 75 वर्ष से अधिक है तो उन्हें एक सहायक ले जाने के लिए आयुक्त देवस्थान विभाग द्वारा अनुमत किया जा सकेगा। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक कावड़िए की दर्दनाक मौत, दूसरा घायल। सोरो से शिवपुरी जा रहे थे कावड़िए। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में रविवार सुबह कावड़ लेकर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में जा रहे दो युवकों को पीछे से तेज गति से आते वाहन ने टक्कर मार दी, जिसे दोनों कावड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया गया। हादसे में कावड़ियों की हालत गंभीर होने पर उसे साथी कावड़िए इलाज के लिए ग्वालियर ले गए, जहां इलाज के दौरान एक कावड़िए ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार हादसे में शिवपुरी निवासी युवक अरविंद उम्र 22 साल पुत्र वैजनाथ और संदीप उम्र 18 साल पुत्र गंगाराम गंगा जी से कावड़ लेकर शिवपुरी जा रहे थे। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 4 बजे धौलपुर शहर में जिला कलेक्टर निवास के सामने आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने ओवर ब्रिज पर पीछे से आते अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसे इलाज के दौरान कावड़िए अरविंद की मौत हो गई। धौलपुर प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ईवीएम कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल,
which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs. Disciplinary environment, NCC and Scouts facility, EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School. Equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. Raja Kheda ka ekmatra angrezi evam hindi madhyam mein utkrisht shikshan sansthan पाठशाला सीनियर सेकेंडरी एवं बचपन प्ले स्कूल, जहां देता है अपनी सभी बालिकाओं को शुल्क में 50% की छूट, ताकि क्षेत्र की बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर सकें। विद्यालय देता है 10वीं के अंकों के आधार पर 10% से लेकर 100% तक छात्रवृत्ति। एकमात्र विद्यालय जिसने इस सत्र में 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 6000 वार्षिक और 95% से अधिक अंक लाने वालों को 12000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति अगले 3 वर्षों तक देने की शुरुआत विद्यालय के छात्र श्रेयांश जैन एवं विनय कुमार सिंह को प्रदान कर की गई है। विद्यालय की गारंटी इस वर्ष से बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने की, अन्यथा फीस वापस। हमारा उद्देश्य क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति उत्साह पैदा करना है। निदेशक डॉक्टर तरुणा मिश्रा, पता बिचोला रोड, राजा खेड़ा, धौलपुर। महिला की मौत, पियर पक्ष ने लगाया दहेज के लिए हत्या करने का आरोप। बाड़ी उपखंड के रिक्शरी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद मृतका के शव को बाड़ी अस्पताल की मॉर्चरी रखवाया गया, जहां पियर पक्ष की मौजूदगी में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पियर पक्ष की तहरीर पर अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार सदर थाना बाड़ी क्षेत्र के रिक्शरी गाँव का यह मामला है, जिसमे विवाहिता सोनाली पत्नी सागर सिंह की मौत हुई है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे मृतका सोनाली के पीहर भिंड बिचपुरी मध्य प्रदेश के निवासी लोगों ने ससुराल वालों पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के ताऊ अजब सिंह का कहना है कि सन 2018 में उनकी बेटी सोनाली की शादी रिक्शरी गांव बाड़ी निवासी सागर सिंह के साथ हुई थी। ससुराल वाले उनकी बेटी को दहेज को लेकर आए दिन परेशान करते थे और उसे शारीरिक एवं मानसिक यातना दी जाती थी। कई बार उनसे समझाइश भी की गई, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे में उनकी बेटी बीमार रहने लगी, जिसका उन्होंने भी काफी उपचार कराया था। ससुराल वाले बीमारी में परहेज रखने का बहाना बनाकर उसे खाना तक नहीं देते थे। देर रात्रि को उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी बीमार है, जो धौलपुर भर्ती है। जब वे आए तो उन्हें धौलपुर कोई नहीं मिला और बाद में पता लगा कि उनकी बेटी का शव बाड़ी अस्पताल की मॉर्चरी रखा है। जहां वे पहुंचे तो ससुराल वाले नहीं मिले। उनको फोन पर बुलाया गया, तब जाकर वे आए हैं। घटना के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उनकी बेटी का शव मॉर्चरी में मिला है। ऐसे में उन्होंने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए सदर थाना बाड़ी में तहरीर दी है। आरोप है, इन्हें पीड़ित करके मारी, उसे खाना नहीं दिया, परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे, दारू पी के खाना नहीं देते थे, परहेज कर खाना नहीं मिलेगा, जबकि कोई डॉक्टर ने ऐसा नहीं कहा कि परहेज कर। शादी कब हुई थी? शादी 2018 में। 2018 बच्चे थे? हाँ, एक बच्चा है। बाड़ी रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण में जीएम को मिली भारी अव्यवस्थाएं, स्थानीय अधिकारियों को लगाई फटकार। आगरा इलाहाबाद रेल मंडल के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार ने रविवार को बाड़ी के रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन पर तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर स्टेशन मास्टर से नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने धौलपुर से सरमथुरा, बसेड़ी और तांतपुर को जाने वाली रेल लाइन पर पड़ने वाले सभी स्टेशनों का निरीक्षण किया।
और उन पर यात्रियों के लिए सुविधाएं मिले इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रमोद कुमार ने बाड़ी स्टेशन के साथ बाड़ी की रेलवे फाटक पर लगने वाले गेट को भी चेक किया। इस दौरान उनको यात्रियों सहित लोगों ने बताया कि यहां पर ना तो स्टेशन पर झाड़ू लगता है और ना ही यात्रियों के लिए प्राथमिक सुविधाएं हैं। स्थिति ये है कि रेलगाड़ी के आने पर फाटक तक को बंद नहीं किया जाता है, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा रहता है। इसको महाप्रबंधक ने गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। इस दौरान जीएम के साथ धौलपुर स्टेशन के अधिकारी और आगरा मंडल के अधिकारी भी मौजूद रहे। नगरपालिका चेयरमैन ने दिया जीएम को ज्ञापन। नगरपालिका चेयरमैन कमलेश कुमारी ने अपने लेटर पैड पर रेलवे मंडल आगरा के जीएम प्रमोद कुमार को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उनसे निवेदन किया गया कि रेलवे स्टेशन के पीछे से लेकर धनोरा रोड फाटक तक बहुत ही खराब स्थिति है। बरसात के दिनों में पानी भरा रहता है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ में गर्मी के दिनों में धूल उड़ती है, जिससे बीमारियां फैलती हैं। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि हौतम सिंह, शिव कुमार, राजकुमार, संजय, लक्ष्मण, सूरज, रवि, जसवंत सिंह, राम प्रकाश, ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी ने भी दिया ज्ञापन। आम आदमी पार्टी के विधानसभा बाड़ी के प्रभारी महेंद्र सिंह परमार के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों द्वारा महाप्रबंधक रेलवे को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बाड़ी रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की व्यवस्था, असामाजिक तत्वों का आतंक, शौचालय सहित सफाई व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की गई। इस दौरान पार्टी के अशोक कुमार, देवेंद्र सिंह, अनुप कुमार, सुंदर सिंह, नरेंद्र गर्ग, नरेंद्र, नरेश कुमार आदि मौजूद रहे। अधिकारी आने से पूर्व लगा झाड़ू। बाड़ी रेलवे स्टेशन पर जैसे ही आगरा इलाहाबाद मंडल के महाप्रबंधक के आने की जानकारी मिली, वैसे ही स्टाफ द्वारा रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगवाई गई। एन मौके पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई और आनंद फानन में सफाई की गई। एक ज्ञापन लिखा है जो कि स्टेशन पर आए दिन घटनाएं, जो समस्याएं हैं उनके बारे में मैंने लिखा है। रेलवे स्टेशन पर पानी की सुविधा नहीं है, लेटरिन की सुविधा नहीं है और यहाँ पर आए दिन जो असामाजिक तत्व हैं, जो शराब पी करके दिनों रात उत्पात मचाते हैं और जो लड़कियां निकलती हैं उन पर फर्जी कसते हैं, जेब भी काटते हैं और मोबाइल चोरी की घटना भी करते हैं। तो इसलिए मैं डीआरएम साहब से ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि इन समस्याओं का समाधान करें और यहाँ पर एक पुलिस चेक पोस्ट की स्थापना करें, जिससे इन सारी समस्याओं का समाधान। धौलपुर शहर में हाईवे की सर्विस रोड से NHAI ने हटाया अतिक्रमण। धौलपुर शहर में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस रोड पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। जब इसकी शिकायत NHAI के अधिकारियों को मिली तो वे सोमवार को धौलपुर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर देखा तो चार अलग अलग पॉइंटों पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसके बाद NHAI के अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस के जाप्ते को लेकर मौके पर पहुंचे और सभी जगह से अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर RC गुप्ता ने बताया कि धौलपुर जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस रोड की करीबन 4 हेक्टेयर भूमि पर अलग अलग जगह अतिक्रमण कर उस जगह का लोगों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा था, जिसे पुलिस की मदद से हटाने की कार्यवाही की गई है। NHAI द्वारा जो उनकी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था उनको हटाने के लिए पुलिस जाब्ता मांगा गया था। पुलिस जाब्ते के सहयोग से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और कार्रवाई जारी है। सर, कितनी जगह है इस प्रकार की NHAI की? जो चार स्थान बताए गए NHAI द्वारा और 5-6 हेक्टेयर बता रहे थे जमीन के लोग, और इस पर जो भी अतिक्रमण इनके द्वारा किया गया उसको हटाया जा रहा है और यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, जिससे कोई आगे भविष्य में अतिक्रमण ना हो। ये NHAI की जो जमीन पर अतिक्रमण हुआ है उसका जो हटाने की कार्रवाई जारी है, और ऐसे हमारे करीब 4-4.5 हेक्टेयर की जमीन जो धौलपुर के लोगों के द्वारा अतिक्रमित है
उनको हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस के सहयोग के द्वारा हटाने की कार्रवाई की। महिला सशक्तिकरण व राजनीति में समाज को संगठित रहने की जरूरत। डॉक्टर अर्चना शर्मा। परशुराम महोत्सव में किया गया प्रतिभाओं का सम्मान। परशुराम सेवा समिति बसेड़ी के बैनर तले श्री भगवान परशुराम महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन बसेड़ी कस्बे में निजी मैरिज होम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कहा कि जिन प्रतिभाओं को समाज के इस समारोह में सम्मान का मौका मिला है, उनको जरूरत है कि वह अपना लक्ष्य निर्धारित करे और आगे बढ़े। उन्होंने समाज के लोगों से भविष्य में ऐसे आयोजन किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने समाज के अध्यक्ष की ओर से छात्रावास की मांग पर भरोसा दिलाया कि वह उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ राजनीति पर भी समाज संगठित रहने के जरूरत बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता अशोक शर्मा धौलपुर ने कहा कि छात्र छात्राओं को समय के साथ टेक्नोलॉजी शिक्षा की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए, जिससे भविष्य सुनहरा बन सके। इस दौरान उन्होंने समाज के लोगों को भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ हैं। समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अमरीश पचौरी बाड़ी, पीसी बोहरा धौलपुर, प्रमोद शर्मा हरि निवास, राम हरे, विशंबर दयाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में वक्ताओं ने विचार विमर्श किए। इस दौरान बसेड़ी अध्यक्ष मायाराम शर्मा ने समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष से समाज की प्रतिभाओं के लिए छात्रावास की मांग रखी। कार्यक्रम में आए अतिथियों व समाज के सभी नागरिकों का आभार जताया। समारोह के दौरान अतिथियों का समाज के लोगों ने माला साफा बांधकर स्वागत किया। इस मौके पर करीब 100 प्रतिभान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन देवेश प्रसाद शर्मा ने किया। कार्यक्रम में मुकेश कुमार संयुक्त निदेशक, मंगली प्रसाद, रमा शंकर शर्मा, शालिनी शर्मा, कांग्रेसी युवा नेता रामवरण शर्मा, लवकुश शर्मा, विकास अधिकारी राजेश शर्मा, नायब तहसीलदार मनोज भारद्वाज आदि भी अतिथि के रूप में मंच पर मौजूद रहे। इस मौके पर ऋतुराज शर्मा, अशोक तिवारी, सत्यनारायण कौशिक, हेमंत कौशिक, महावीर कौशिक, भूदेव सारस्वत, श्री प्रकाश सारस्वत, पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, उमाकांत शर्मा, शिव चरण लाल शर्मा, राजेंद्र शर्मा, नत्थीलाल पारसर, दीपेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मृतक की पत्नी को सौंपी 83,000 रुपए की आर्थिक सहायता। बसेड़ी क्षेत्र के गांव जारगा में कुछ दिन पूर्व सर्प दंश के चलते देवेंद्र शर्मा की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच परशुराम महोत्सव कार्यक्रम में समाज के भामाशाहों द्वारा मृतक की पत्नी को 83,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि सौंपी गई, जिसमें ब्राह्मण समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष अमरीश पचौरी द्वारा 61,000 रुपए दिए। इसके अलावा पीसी बोहरा व सुदेश शर्मा द्वारा 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता सौंपी गई। युवा राजपूत सभा धौलपुर की जिला कार्यकारिणी घोषित। विनय परमार बने जिला प्रभारी। युवा राजपूत सभा धौलपुर के जिला अध्यक्ष हमीर सिंह रिंकू परमार ने राजपूत सभा जिला अध्यक्ष भागीरथ सिंह सिकरवार के निर्देश पर जिला कार्यकारिणी घोषित की, जिसमें विनय परमार को जिला प्रभारी बनाया गया है। वहीं संयोजक शिव शंकर परिहार, जिला महामंत्री प्रदीप सिसोदिया, विश्वेंद्र भदौरिया, सतवीर चौहान, उपाध्यक्ष राहुल परमार, पीयूष सिकरवार, आशीष भदौरिया, योगेंद्र सिंह जादौन, नीलू परमार, राजपाल सिकरवार, मंजन जादौन, शिवम राजावत को बनाया गया है। वहीं जिला मंत्री दीपक परमार, हिमांशु परमार, अजय तोमर, अतुल परमार, मनोज परमार, कवेंद्र परमार, हरिओम तोमर, जितेंद्र जादौन, शिवम राठौर, मटरू ठाकुर, सोनू तोमर, जिला प्रवक्ता राजू सिंह परमार व मीडिया प्रभारी जितेंद्र सिकरवार को बनाया गया है। इसके अलावा ब्लॉक अध्यक्ष बसेड़ी संदीप परमार,
धौलपुर, शिवम चौहान, सैपव, श्याम परमार, राजाखेड़ा, लोकेंद्र परिहार को बनाया गया है। वहीं टीम को कुछ युवाओं को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। धौलपुर जिले का सबसे पुराना स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ष 1977 से लेकर अब तक जिसके दर्जनों विद्यार्थी बने IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, CA आदि, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, संकाय बायोलॉजी, मैथ, वाणिज्य व कला वर्ग। विद्यालय का रिजल्ट हर वर्ष 98% से अधिक, जिसमें से अधिकांश विद्यार्थी 80% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण। योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, खेल मैदान, पेयजल एवं विद्युत की उचित व्यवस्था, न्यूनतम फीस में अच्छी शिक्षा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में संचालित, सभी संकाय में प्रवेश प्रारंभ। सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंदिरा कॉलोनी, आउटडोर के पीछे, जेल रोड, धौलपुर। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ परिणाम, उच्चतम गुणवत्ता व न्यूनतम फीस वाला स्कूल, आवासीय ऋषि गालव विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं तक, हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, संकाय, चीफ विज्ञान, गणित, कला वर्ग, कृषि विज्ञान, कॉमर्स, बसों की विशेष व्यवस्था, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं के शिक्षण शुल्क में विशेष छूट, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा व कोचिंग, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को फीस में विशेष छूट। प्रवेश प्रारंभ, पता मिडवे होटल के पीछे, GT रोड, धौलपुर। संस्थापक दिनेश त्यागी, निदेशक मनोज त्यागी, व्यवस्थापक डॉक्टर पंकज त्यागी। AVM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। AVM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में सोमवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें CBSE 10th बोर्ड परीक्षा 2022 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। शिक्षाविद वीरेंद्र कुमार त्यागी ने बताया कि CBSE 10th बोर्ड परीक्षा 2022 में 100% परीक्षा परिणाम देकर कीर्तिमान स्थापित किया गया। AVM कॉन्वेंट स्कूल के कुल विद्यार्थियों में से अधिकांश विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जिनमें से अनीशा बुडानिया 98%, कृष्ण गर्ग 94%, रजत सिंगल 93%, आर्या वर्मा 92%, अनंत त्यागी 92%, उर्षिता शर्मा 90% अंक प्राप्त किए हैं। स्कूल के छात्र छात्राओं ने इसका श्रेय अपने विद्यालय परिवार व अभिभावकों को दिया। उदयमान छात्र छात्राओं ने प्रशासनिक सेवा, चिकित्सा सेवा एवं प्रायोगिकी सेवा में उच्च स्तर पर पहुंचने का लक्ष्य रखा। इस अवसर पर विद्यालय में हर्षोल्लास के साथ श्रेष्ठ छात्र छात्राओं को माल्यार्पण कर व मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। साथ ही लक्ष्य प्राप्ति के लिए विद्यालय के निदेशक शिक्षाविद वीरेंद्र कुमार त्यागी ने छात्र छात्राओं व अभिभावकों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। स्कूल के प्रबंधक आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी एवं उप प्राचार्य अनीता त्यागी ने कहा कि हमारे धौलपुर जिले के ये होनहार व प्रतिभावान छात्र छात्रा जिले के ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। जांच में दूषित पाए जाने पर 1370 किलो मिठाई को किया गया नष्ट। चिकित्सा एवं खाद्य सुरक्षा विभाग धौलपुर की ओर से सोमवार को जांच में मिठाई दूषित पाए जाने के बाद नष्ट करवाया गया है। धौलपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि 13 जुलाई को पुलिस की ओर से संदिग्ध बर्फी को पकड़ा गया था, जिसके नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए थे, जो जांच में दूषित पाई गई। इस पर सोमवार को 1370 किलो मिठाई को सागरपाड़ा के पास नष्ट करवाया गया है। सर,
दिनांक 13 जुलाई को सागरपाड़ा पुलिस द्वारा पकड़ी गई बर्फी का नमूनीकरण किया गया था, इसको भी सीज किया गया था क्योंकि करीब 1370 किलो थी। उसको आज यहाँ डंपिंग यार्ड में नष्ट कराया जा रहा है, जिसका कि नमूना जांच में मिश्रण पाया गया था, उसको आज यहाँ नष्ट कराया। बारूद फैक्ट्री धौलपुर में रक्तदान शिविर आयोजित। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड फैक्ट्री में दिनांक 25 जुलाई 2022 को 50 कर्मचारियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल धौलपुर रहे। रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल रहे। उन्होंने रक्तदान शिविर का फीता काटकर उद्घाटन किया। जिला कलेक्टर व आरपीएससी राजस्थान के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर आरएस गर्ग ने सभी रक्तवीर कर्मचारियों को संबोधित किया। जिला कलेक्टर एवं आरपीएससी पूर्व चेयरमैन डॉक्टर आरएस गर्ग ने कंपनी के महाप्रबंधक राकेश कुमार शर्मा द्वारा माल्यार्पण एवं साफा बांधकर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी समरवीर सिंह सिकरवार के निर्देशन में ब्लड बैंक टीम का भी स्वागत किया गया, जिसमें डॉक्टर नरेंद्र मुदगल चिकित्सा अधिकारी प्रभारी ब्लड बैंक, शिशुपाल शर्मा तकनीकी सहायक, अरुणा राजपूत स्टाफ नर्स एवं पवन कुमार लैब टेक्नीशियन आदि ब्लड बैंक टीम का कार्य सराहनीय रहा। कंपनी की ओर से बीएन श्रीवास्तव, रमेश कुमार गुर्जर, देवानंद यादव, रवि शर्मा, प्रशांत सिंह, गजेंद्र सिंह राठौर, सुमित तिवारी एवं सिक्योरिटी कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा। रक्तदान शिविर के समापन के बाद सभी रक्तवीरों को मुख्य अतिथि समरवीर सिंह प्रमुख चिकित्सा अधिकारी धौलपुर के द्वारा प्रमाण पत्र व पारितोषिक भेंट किया गया। अनियंत्रित होकर हाईवे से दूर नाले में जा गिरी श्रद्धालुओं की कार। सोमवार को ऐतिहासिक महादेव मंदिर सैपो से दर्शन कर वापस धौलपुर जा रहे श्रद्धालुओं की कार भरतपुर मार्ग पर पेट्रोल पंप के निकट अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर जल भराव वाले नाले में जा गिरी, जिसे कार सवार आनंद, सुनील पुत्र ओम प्रकाश जाट, प्रकाश रोहित पुत्र राजेश जाटव निवासी धौलपुर बाल बाल बच गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हाइड्रा की मदद से नाले से कार को बाहर निकलवाया और पुलिस थाने ले गई। सैपू थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि ये लोग महादेव मंदिर पर दर्शन करने के लिए आए थे, गलती से भरतपुर मार्ग पर चले गए, जहां कार अनियंत्रित होकर नाले में चली गई। पूछताछ के बाद उन्हें रवाना कर दिया गया। स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम में लिया बाड़ी को स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर वन पर लाने का संकल्प। बाड़ी कस्बे के पुराना बाजार पाताल देवी मंदिर के पास संचालित मानव रचना कॉन्वेंट स्कूल में सोमवार को नगर पालिका बाड़ी के एवं बेसिक्स टीम के सहयोग से स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी नगर की चेयरमैन कमलेश देवी, विशिष्ट अतिथि टीम बेसिक्स प्रभारी हरि सिंह राजपूत, पार्षद ओमवीर चौधरी चेयरमैन एवं पार्षद प्रतिनिधि राजवीर सिंह, शिव कुमार खेमरिया नगर पालिका सफाई प्रभारी सीताराम शर्मा और किशोरी भटेले मंचासीन रहे। संस्था प्रधान पवन भारद्वाज द्वारा सभी अतिथियों का हार माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। भारद्वाज ने बच्चों को बताया कि हर सूरत में अपने स्कूल व कक्षा कक्ष को साफ रखें और साथ ही सड़कों पर कचरा नहीं फेंके। बच्चों ने भी संकल्प लिया कि वे अपने शहर को साफ सुथरा रखने के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण में बाड़ी को अव्वल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के चेयरमैन कमलेश देवी
और बेसिक्स टीम प्रभारी हरि सिंह राजपूत ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में अपने शहर बाड़ी को नंबर वन बनाने के लिए सभी से अपील की। इस मौके पर प्रधानाचार्य पवन भारद्वाज, टीचर अनुष्का बंसल, आकांक्षा परमार, प्रियंका चौहान, राशि अग्रवाल, रूबी यादव, लुवना खान गौरी, प्रेमलता परमार, रुखसाना बानो, पूजा शर्मा, राजकुमार बंसल, विष्णु गुर्जर आदि उपस्थित रहे। मैं मानव रचना कॉन्वेंट स्कूल की स्टाफ मेंबर राशि अग्रवाल। आज हमारे स्कूल में नगर पालिका की तरफ से काफ़ी संयोजक आए थे। इन्होंने हमारे स्कूल में पॉलीथीन के दुष्प्रभाव के बारे में बताया है, कचरे के बारे में बताया है और सभी बच्चों को, शिक्षकों को, सभी को जानकारी दी है कि साफ सफाई कैसे रखनी चाहिए, साफ सुथरा कैसे बनाना चाहिए अपना घर, अपना आंगन, अपना देश। उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हरि सिंह राजपूत और मैं बेसिक्स टीम से हूँ। हम लोग जैसा कि अभी एक प्रोग्राम किए हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन को लेकर लोगों को अवेयर किए हैं और ये प्लास्टिक 1 जुलाई 2022 से पूर्णतः प्रतिबंध की गई है भारत सरकार द्वारा। इसी को हम लोग अवेयर कर रहे हैं बाड़ी शहर में ताकि लोग बाग इसका सिंगल यूज़ प्लास्टिक में आने वाले कंटेंट्स का उपयोग नहीं करें। और मैं सभी बाड़ी बस्ती से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और निकलने वाले घर से कचरे को कचरा गाड़ी में डालें। धन्यवाद। कावड़ यात्रियों के लिए भंडारा एवं शिविर का किया आयोजन। भारत तिब्बत संघ धौलपुर के तत्वाधान में शिव भक्त कावड़ यात्रियों के लिए 3 दिवसीय भंडारा एवं शिविर का आयोजन बोधपुरा चौराहा मनिया धौलपुर में किया गया। जिला अध्यक्ष केशव सक्सेना ने उपस्थित सभी शिव भक्तों को संकल्प दिलाया कि जब तक देवाधिदेव भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर धाम अत्याचारी चीन के कब्जे से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। विशिष्ट अतिथि प्रांत महामंत्री दुष्यंत शर्मा ने कहा कि संघ की जिला धौलपुर की टीम ने शिविर प्रारंभ कर सराहनीय कार्य किया है। अमित मुद्गल ने कहा कि सामूहिक संकल्प की प्रबल शक्ति से कैलाश मानसरोवर शीघ्र मुक्त होगा। इस दौरान भामाशाह धर्मेंद्र सक्सेना, भारत शर्मा, जिला महामंत्री युवा ब्रजमोहन शुक्ला आदि मौजूद रहे। यूडी कॉलेज धौलपुर में किया गया पौधारोपण। धौलपुर शहर के पंडित उमादत्त गर्ल्स पीजी कॉलेज धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 1 दिवसीय शिविर के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। संभागी छात्राओं ने एनएसएस प्रभारी विजय भारद्वाज के नेतृत्व में महाविद्यालय परिसर, बावड़ी के पार्क एवं मचकुंड रोड पर पौधारोपण किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोषी लाल शर्मा ने बताया कि प्राचीन युग से ही पौधों व मनुष्यों के बीच संबंध बहुत अधिक देखे गए हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि मनुष्य जीवित रहने के लिए पौधों की दुनिया पर निर्भर करता है। एसटीएफआई के बैनर तले राष्ट्रीय शिक्षा सेमिनार राजधानी दिल्ली में संपन्न। स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले हरकिशन सिंह सुरजीत भवन दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में देश भर के सैकड़ों शिक्षक नेता शामिल हुए। राजस्थान से शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिहाग के नेतृत्व में 80 प्रतिनिधि शामिल रहे। शिक्षक संघ शेखावत के धौलपुर निवासी प्रदेश प्रवक्ता यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि एसटीएफआई की राष्ट्रीय सेमिनार में नई शिक्षा नीति 2020, नई पेंशन योजना, शिक्षा के बाजारीकरण, रिक्त पदों को भरने, संविदा कर्मियों को नियमित कर ठेका प्रथा बंद करने सहित शिक्षा, शिक्षार्थी एवं शिक्षक हितों पर मंथन किया गया। हनुमान जी मंदिर पर हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। 4 दर्जन गांव के श्रद्धालुओं ने पाई प्रसादी। बसेड़ी के
पुरा पटोर गांव के समीप राम स्नेही हनुमान मंदिर पर भागवत कथा के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। भंडारे में 40 से अधिक गांवों को निमंत्रण भेजा गया, जिसमें ग्रामीणों को सब परिवार प्रसादी के लिए आमंत्रित किया गया। भंडारे का आयोजन सुबह 8 बजे से देर शाम तक जारी रहा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा प्रसादी पाई गई। प्रसादी में खीर, पुआ व सब्जी की प्रसादी वितरित की गई। भंडारे के आयोजन से पूर्व हवन में पूर्ण आहुति दी गई। इस दौरान कथावाचक स्वामी भगवत शरण महाराज ने कहा कि इंसान को अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा जीव जंतु पशु पक्षी आदि के प्रति भी दया भाव रखना चाहिए। कार्यक्रम में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अलग अलग जिम्मेदारी गांव को सौंपी गई। भंडारा सुबह 8 बजे से चल रहा है, भरपूर भीड़ की कोई कमी नहीं है और 40 कामनी की छूट की गई है और शाम के 7 बजे तक भंडारा चल रहा है, भीड़ कमी नहीं आ रही है। छूट भरा रामी नगरपालिका पूरा दरवेशा और खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।